बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द पियानिस्ट, एक सच्ची कहानी। ये कहानी है पॉलिन की और वक्त है सन 1939, वॉर्सो डिस्ट्रिक्ट, जहां पर एक पियानिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम है वार्डिक स्पिलमैन। स्पिलमैन रेडियो के लिए पियानो बजाता है, तभी गोलियां चलने की आवाज आती है, पर वो पियानो बजाता रहता है जैसे ये आम बात है। पर जब वहां पर एक ब्लास्ट होता है जिससे स्पिलमैन के सिर पर चोट भी लगती है और वो सब के सब भागते हुए बाहर निकलते हैं, तभी स्पिलमैन के पास एक लड़की आती है और वो कहती है कि मेरा नाम डोरेट है और मुझे आपका पियानो बहुत पसंद है। ये स्पिलमैन को पसंद करती है और स्पिलमैन भी इसे पसंद करने लगता है। इसके बाद स्पिलमैन अपने घर जाता है, जहां दिखाते हैं कि उसकी फैमिली सारा सामान पैक कर रही होती है क्योंकि वो वहां से निकलना चाहते हैं, पर स्पिलमैन मना कर देता है। वो कहता है कि मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा और अगर मुझे मरना है तो मैं अपने घर पर ही मरूंगा। तभी रेडियो पर न्यूज आती है कि ग्रेट ब्रिटेन को उसकी चेतावनी जो उसने जर्मन गवर्नमेंट को दी थी उसका कोई जवाब नहीं मिला, इसीलिए उसने नाजी जर्मन के खिलाफ ऐलानी जंग का फरमान जारी कर दिया है। और ये भी बताते हैं कि अगले कुछ ही घंटों में फ्रांस भी इसी तरह की घोषणा करेगा। इस बात से स्पिलमैन की पूरी फैमिली बहुत खुश हो जाती है। उसकी फैमिली में उसके मॉम डैड, एक भाई और दो सिस्टर होती है, पर उनकी खुशी ज्यादा वक्त के लिए नहीं होती। जल्दी वहां पर जर्मनी की फौज आ जाती है और वो ये ऐलान करती है कि कोई भी ज्यूस अपने घर में 2000 से ज्यादा रुपए नहीं रखेगा, उन्हें अपने हाथ पर एक व्हाइट कलर का पट्टा बांधना होगा ताकि ज्यूस लोगों को दूर से पहचान लिया जाए। इसके अलावा वहां पर रेस्टोरेंट में ज्यूस लोगों का जाना सख्त मना होता है। कई दुकानों पर तो यह भी लिखा होता है कि डॉग्स एंड ज्यूस आर नॉट अलाउड। अब क्योंकि यहां पर जर्मन्स ने लगभग सभी रेडियो स्टेशन को बॉम्ब से उड़ा दिया है तो स्पिलमैन का काम भी छूट जाता है, लेकिन वो एक अच्छा पियानिस्ट है इसीलिए उसे एक रेस्टोरेंट में पियानो बजाने का काम मिल जाता है। इसके बाद स्पिलमैन डोरेट से मिलता है और वो डिसाइड करते हैं कि एक एक कॉफी पीते हैं, पर जब वो रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचते हैं तो वहां लिखा होता है कि ज्यूस लोगों को अंदर आना मना है। डोरेट बोलते हैं कि चलो हम पार्क में घूमते हैं। स्पिलमैन बोलता है कि ज्यूस लोग पार्क में भी नहीं घूम सकते और यहां तक कि बेंच पर भी नहीं बैठ सकते क्योंकि ये सब उनके लिए गैर कानूनी है। स्पिलमैन बोलता है कि सिर्फ हम यहां पर खड़े होकर बात कर सकते हैं और वो दोनों वहीं पर खड़े होकर कुछ देर बातें करते हैं। अब एक फरमान जारी होता है कि ज्यूस लोगों को अपना घर छोड़कर एक अलग जगह रहना होगा जहां पर वॉर्सो के और बाहर से आने वाले ज्यूस लोगों को एक साथ रखा जाएगा, पर वो जगह बहुत छोटी होती है और सिर्फ वॉर्सो में ही 300,000 से ज्यादा यहूदी यानी ज्यूस लोग रहते हैं। यहां स्पिलमैन के घर पर पैसे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, उनके पास सिर्फ 20 रुपए बचे हैं, जिसके चलते स्पिलमैन को अपना पियानो जो उसे सबसे ज्यादा अजीज होता है बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ता है। स्पिलमैन को अपना घर भी छोड़ना पड़ता है और उन्हें उस जगह जाकर रहना पड़ता है जो ज्यूस लोगों के लिए जर्मन लोगों ने एक अलग से जगह बनाई होती है। यहां इन्हें एक छोटा सा कमरा और एक बहुत छोटा सा किचन मिलता है जिसमें 6 लोगों का रह पाना मुश्किल है। वार्डिक स्पिलमैन की मॉम कहती कि मैं अपनी बेटियों के साथ किचन में सो जाऊंगी और तुम तीनों यहां कमरे में सो जाना। और जब सब के सब ज्यूस इस इलाके में अंदर पहुंच जाते हैं तो बाहर से जर्मन से एक दीवार खड़ी कर देते हैं ताकि वहां से कोई भी बिना इजाजत के बाहर ना पाए। यहां लोगों के पास पैसे नहीं है, वो भूख से मर रहे होते हैं और जर्मन इन पर बहुत अत्याचार भी करते हैं। अब जर्मन यहां पर ज्यूस लोगों की एक फौज भी बनाना चाहते हैं और एक ज्यूस जो कि स्पिलमैन के परिवार को जानता है वो उनके घर पर आता है और स्पिलमैन के भाई को पुलिस फोर्स में आने के लिए भी कहता है, पर स्पिलमैन का भाई मना कर देता है। वो बोलता है तुम क्या चाहते हो कि मैं जर्मन की गुलामी करूं, ज्यूस लोगों पर अत्याचार करूं, ये मुझसे नहीं होगा। और वो उसे मना कर देता है कि मैं पुलिस फोर्स में भर्ती नहीं होऊंगा। वो स्पिलमैन को भी अपने बैंड में शामिल होने के लिए कहता है, पर स्पिलमैन मना कर देता है। वो इस बात से नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम कब तक सड़कों पर किताबें बेचकर अपना घर चलाओगे। दरअसल ये लोग सड़कों पर किताबें बेच रहे होते हैं क्योंकि नई जगह पर आने के बाद स्पिलमैन का रेस्टोरेंट का काम भी छूट चुका होता है, पर जंग के इस माहौल में कोई कुछ नहीं पढ़ना चाहता इसीलिए उनकी किताबें नहीं बिकती। यहां ज्यूस लोग भूख से और जर्मन के अत्याचार से मर रहे होते हैं। पर कुछ ही दिनों बाद स्पिलमैन को पियानो बजाने का काम मिल जाता है क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन और नामी पियानिस्ट होता है। धीरे धीरे हालात बद से बदतर हो जाते हैं, सड़कों पर लोगों की लाशें पड़ी रहती है, जर्मन जिसे चाहे जब चाहे जहां चाहे मार देते हैं। जैसे ही जर्मन ज्यूस लोगों के इलाके में आते हैं सब अपनी लाइट्स बंद कर देते हैं क्योंकि जर्मन का कुछ पता नहीं होता, वो किसी भी वजह से किसी को भी मार सकते हैं। एक रात जर्मन एक घर में घुस जाते हैं जहां पर ज्यूस लोगों का एक पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठा होता है। जर्मन का ऑफिसर बोलता है कि सब खड़े हो जाओ और वो पूरा परिवार खड़ा हो जाता है, पर उनके परिवार का एक सदस्य खड़ा नहीं हो पाता क्योंकि उसके दोनों पैर खराब होते हैं और वो व्हीलचेयर पर होता है। जर्मन ऑफिसर अपने लोगों को बोलता है कि इसको ऊपर से नीचे फेंक दो क्योंकि ये खड़ा नहीं हुआ, हालांकि वो जानते हैं कि वो व्हीलचेयर पर वो खड़ा नहीं हो सकता। फिर भी जर्मन इसी तरह से यहां पर ज्यूस लोगों पर अत्याचार कर रहे होते हैं। इसके बाद वो उस परिवार को बाहर ले जाते हैं और सबको भागने के लिए बोलते हैं
और पीछे से उन सबको गोली मार देते हैं। अब ज्यूस लोगों के इलाके में कोई खुलेआम कुछ खा भी नहीं सकता, क्योंकि सब भूख से इतने परेशान होते हैं कि वो एक दूसरे का खाना तक छीन लेते हैं। इसके बाद जर्मन्स इन्हें यहां से कहीं और भेजने का फैसला करते हैं, मजदूर कैंप में। शुरू में ज्यूस लोगों को लगता है कि ये एक अफवाह है, पर ये अफवाह नहीं सच होता है। और 16 अगस्त सन 1942 को सारे ज्यूस लोगों को वहां से एक दूसरी जगह ले जाता है और वहां पर वो कई घंटों तक उन्हें ठहराते हैं। सब भूख से प्यास से वहां बैठे रहते हैं। तभी वहां पर एक टॉफी वाला आता है और वो एक टॉफी 20 रुपए की बेच रहा होता है, जो कि बहुत महंगी होती है। पर स्पिलमैन की फैमिली सब पैसे इकट्ठा करते हैं और 20 रुपए में उस टॉफी को खरीद लेते हैं, जिसे वो ब्लेड से 6 टुकड़ों में बांटते हैं और पूरा परिवार एक एक टुकड़ा खाता है। कुछ लोग यहां पर मरे भी पड़े होते हैं और जो जिंदा है वो सब बेजान है। अब इन सबको यहां से दूसरी जगह ले जा रहे होते हैं। तभी एक ज्यूस जो कि जर्मन आर्मी में होता है, वो स्पिलमैन को खींचकर भीड़ से निकाल लेता है। ये वही आदमी होता है जो स्पिलमैन के घर पर आया था और उन्हें जर्मन फोर्स में शामिल होने के लिए कहा था। स्पिलमैन अपने परिवार को आवाज दे रहा होता है। वो बोलता है, चिल्लाओ मत, मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग जाओ। और स्पिलमैन किसी तरह से वहां से निकल जाता है और बाकी जितने भी ज्यूस होते हैं स्पिलमैन के परिवार के साथ, उन सबको एक ट्रेन में बिठाकर वहां से रवाना कर दिया जाता है। स्पिलमैन को पता है कि उनमें से अब कोई नहीं बचेगा। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वो समझ जाता है कि आज उसने अपने माँ बाप भाई बहनों सबको एक साथ खो दिया है। वो उसी जगह वापस जाता है जहां पर उनका कैंप था, पर वहां पर कोई नहीं होता। चारों तरफ लाशें, बिखरा हुआ सामान पड़ा होता है। फिर वो वहां जाता है जहां पर वो पियानो बजाता था। वहां पर आलमारी में एक आदमी छुपा होता है। वो उसे भी आलमारी में बुला लेता है। वो बोलता है कि हमें कुछ दिनों तक यहीं रहना होगा, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। और वो दोनों कई दिनों तक वहीं अंदर छुपे रहते हैं। फिर जब बाहर कुछ माहौल ठीक हो जाता है तो बाहर आते हैं। और स्पिलमैन जो कि एक आर्टिस्ट है, जो कि एक बहुत बड़ा पियानिस्ट है, अब वो एक मजदूर बन गया है। वो ईंटें उठाता है, मजदूरी करता है और जर्मन कैंप में बचे हुए ज्यूस लोगों के साथ उनका गुलाम बनकर रहता है। जर्मन आज भी जिसे चाहे जहां चाहे मार देते हैं। ज्यूस लोगों की जान की कोई वैल्यू नहीं है। अब यहां पर एक नया आदमी आता है और वो स्पिलमैन को बताता है कि यहां से मालगाड़ी में लोगों को बाहर भेजा जाता है हर रोज, और मालगाड़ी जब वापिस आती है तो वो खाली होती है, उसमें कोई नहीं होता। ये लोग हमें खत्म कर रहे हैं। हम 5 लाख थे और अब 60,000 बचे हैं, और जितने भी बचे हैं वो सब के सब जवान हैं, क्योंकि बूढ़े और बच्चे काम नहीं कर सकते, इसीलिए उनको इन्होंने खत्म कर दिया है। लेकिन हम विद्रोह करेंगे, स्पिलमैन बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ। अब एक दिन जब स्पिलमैन ईंटें ऊपर लेकर जा रहा होता है, तभी ऊपर हवा में कई सारे प्लेन्स दिखाई देते हैं। और जब स्पिलमैन ऊपर देखता है तो उसकी ईंटें गिर जाती है, और ये देखने के बाद एक जर्मन ऑफिसर उसे बहुत मारता है। और इसके बाद वहीं पर कुछ लोग होते हैं जो उसका काम बदल देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये ऐसे ही रहा तो ये जिंदा नहीं बच पाएगा। अब यहां पर एक जर्मन ऑफिसर सारे ज्यूस लोगों को बोलता है कि अगर तुम सोचते हो कि यहां से तुम निकल पाओगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें यहीं रहकर काम करना होगा, और तुम अपने में से किसी एक को चुनो जो हर एक के लिए 3 किलो आलू और ब्रेड शहर से लेकर आएगा। अब ये आलू की बोरी में पिस्टल भी छुपा कर लाना शुरू कर देते हैं, ताकि जर्मन्स के खिलाफ लड़ सकें। अब धीरे धीरे ये काफी सारी गन्स इकट्ठी कर लेते हैं। एक रात को स्पिलमैन वहीं पर अपने एक साथी को बोलता है कि मुझे यहां से बाहर निकलना है। वो बोलता है कि यहां से बाहर निकलना तो आसान है, पर बाहर रहकर जिंदा रहना बहुत मुश्किल, क्योंकि बाहर जर्मन ज्यूस लोगों को देखते ही गोली मार देते हैं। स्पिलमैन बोलता है कि पिछली गर्मियों में जब मैं शहर में काम कर रहा था तो मैंने अपने कुछ जान पहचान वालों को वहां देखा था। वो हस्बैंड वाइफ हैं और उनका नाम है जेनिना और एंड्रेस, और वो भी मेरी तरह आर्टिस्ट हैं और अच्छे इंसान हैं। तुम तो रोज खाने का सामान लेने शहर जाते हो, क्या पता वो मुझे यहां से निकाल सके। वो कहता है कि मैं कोशिश करूंगा, और वो आदमी स्पिलमैन का काम कर देता है। वो स्पिलमैन को बोलता है कि तुम जल्द ही यहां से निकलने के लिए तैयार रहो। अब एक रात को एक ऑफिसर आता है, और जब ये सारे ज्यूस काम करके वापस जा रहे होते हैं तो वो इन सबको कोड़े मारता है और बाद में पूछता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों मारा। वो बोलते कि नहीं। वो ऑफिसर बोलता है कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, आज न्यू ईयर है। जर्मन्स इसी तरह के कई अत्याचार इन लोगों पर कर रहे होते हैं। अब एक रात को स्पिलमैन वहां से किसी तरह से निकल जाता है और उन लोगों के पास पहुंच जाता है जहां उसे पहुंचना था। वो बोलते कि हम तुम्हें एक जगह नहीं रख सकते, क्योंकि जर्मन्स की नजर हर तरफ है। और एंड्रेस स्पिलमैन को अपने साथ एक घर में ले जाता है और उसे कहता है कि तुम यहीं रहना, जेनिना हफ्ते में 2 बार तुमसे मिलने आएगी, तुम्हारे खाने और तुम्हारी देखभाल के लिए। और जाने से पहले वो उसे एक एड्रेस भी देता है और बोलता है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो इस पते पर चले जाना। अब जहां पर स्पिलमैन रुका होता है वो जगह उसी कैंप के पास होती है जहां पर वो बंदी था। और कुछ ही दिनों बाद वहां के सारे ज्यूस जर्मन लोगों पर हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए काफी सारा असला बारूद इकट्ठा कर लिया होता है। पर इस मुठभेड़ में ज्यूस लोग जर्मन से नहीं जीत पाते, वो काफी देर उनसे लड़ते हैं और अंत में सब के सब मारे जाते हैं। और अगर स्पिलमैन वहां होता
तो वो भी मारा जाता। अब एक आदमी वहां आता है और स्मिलमैन को बोलता है कि हमें यहां से निकलना होगा, जर्मन्स ने जेनिना और एंट्रीज को गिरफ्तार कर लिया है और जर्मन्स कभी भी यहां आ सकते हैं। पर स्मिलमैन कहता है कि मैं यहां से नहीं जाना चाहता, मैं यहीं रुकूंगा, और वो आदमी वहां से चला जाता है और स्पिलमैन वहीं रुक जाता है। अब उसे वहां कई दिन हो जाते हैं और उसका खाने का सामान खत्म हो जाता है, और जब वो किचन में कुछ ढूंढ रहा होता है तभी काफी सारी प्लेट्स गिर जाती हैं और टूट जाती हैं, जिससे बगल में रहने वाली औरत को पता चल जाता है कि यहां पर कोई है, और वो बोलती है कि दरवाजा खोलो नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। और इससे पहले कि पुलिस वहां पर आती, स्पिलमैन वो जगह छोड़कर भाग जाता है। और जो दूसरा एड्रेस उसके पास होता है, जिसे एंड्रेज ने स्पिलमैन को दिया होता है और ये कहा होता है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो इस पते पर चले जाना। स्पिलमैन बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचता है और डोरबेल बजाता है। अंदर से आवाज आती है, कौन? स्पिलमैन अपना नाम बताता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने डोरेट होती है। ये वही लड़की होती है जो स्पिलमैन को पसंद करती है और स्पिलमैन भी इसे पसंद करता था, पर जंग में सब कुछ खत्म हो चुका होता है। डोरेट ज्यूस नहीं होती और उसकी शादी हो चुकी होती है और अब वो प्रेग्नेंट होती है। स्पिलमैन को उसके पति से मिलना था। अब कुछ देर बाद उसका पति आ जाता है। वो स्पिलमैन को बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, और वो स्पिलमैन को अपने साथ एक घर में ले जाता है जो कि जर्मन हॉस्पिटल के बिल्कुल पास होता है। दरअसल यहाँ आसपास सभी जगह जर्मन्स रहते हैं। डोरेट का हस्बैंड बोलता है कि पूरा इलाका जर्मन्स का है, तो किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि तुम यहाँ पर हो। मैं बाहर से ताला लगाकर जा रहा हूँ। और वो स्पिलमैन को एक आदमी से भी मिलवाता और बोलता है कि ये आपके खाने का ध्यान रखेगा, और वो वहां से चला जाता है। पर वो आदमी बहुत दिनों के बाद आता है और स्पिलमैन 2 हफ्ते से भी ज्यादा वहां पर भूखा बंद रहता है और वो बीमार भी हो जाता है। अब वो आदमी स्पिलमैन के लिए खाना लाता है और उसे बताता है कि पड़ोसी मुल्क ने जर्मनी पर हमला कर दिया है और अब कुछ ही दिनों में सब कुछ खत्म हो जाएगा, यहां पर सारे हालात ठीक हो जाएंगे, और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद कई दिन हो जाते हैं और एक दिन डोरेट अपने हस्बैंड के साथ वहां आती है और वो देखते हैं कि स्पिलमैन बीमार है और वो मरने वाला है। अब यहां पर डॉक्टर को बुलाना रिस्क है, फिर भी वो अपने एक जान पहचान के डॉक्टर को वहां बुलाते हैं और वो उसका इलाज करता है। डोरेट स्पिलमैन को बोलती है कि हम ये जगह छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि यहां पर कभी भी विद्रोह हो सकता है और ये मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। और वो वहां स्पिलमैन को दवाइयां और खाने का सामान देकर चले जाते हैं। और होता भी ऐसी है, वहां विद्रोह शुरू हो जाता है, कुछ लोग जर्मन्स के हॉस्पिटल पर हमला कर देते हैं और वहां कई जर्मन्स को मार देते हैं। अब जर्मन्स को पता है कि इस इलाके में घुसपैठी हैं, तो जिस बिल्डिंग में स्पिलमैन छुपा होता है उस बिल्डिंग में और आसपास के सभी घरों में जर्मन्स बॉम्ब से हमला करते हैं, पर स्पिलमैन बच जाता है और बाहर जर्मन्स की और वहां के उन लोगों की जिन्होंने विद्रोह किया होता है उनके बीच में लड़ाई चल रही होती है। पर स्पिलमैन किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जो बमबारी की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है। वो भूखा है इसलिए वो घर में जाकर खाना ढूंढने की कोशिश करता है और उसे खाने का एक डिब्बा मिल भी जाता है, पर वो पूरी तरह से सील पैक होता है और वो उसे खोलने की कोशिश करता है। पर तब तक वहां पर जर्मन्स आ जाते हैं और वो खाने के उस डिब्बे को लेकर मचान पर चढ़ जाता है। अब रात को वो दोबारा उस डिब्बे को खोलने की कोशिश करता है और तभी वहां पर एक जर्मन ऑफिसर आ जाता है। वो स्पिलमैन से पूछता है कि तुम यहां क्या कर रहे हो। स्पिलमैन पूरी तरह से डर जाता है और वो बोलता है कि मैं वो डब्बा खोलने की कोशिश कर रहा था। जर्मन ऑफिसर उससे बोलता है कि तुम काम क्या करते हो। स्पिलमैन बोलता है कि मैं एक पियानिस्ट था। जर्मन ऑफिसर उसे एक पियानो के पास ले जाता है और उसे बोलता है बजाओ, और स्पिलमैन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पियानो बजाता है। जर्मन ऑफिसर उसे बोलता है कि तुम ज्यूस हो, यहां छुपे हुए हो। वो कहता है हाँ। जर्मन ऑफिसर उसे छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद वो जर्मन ऑफिसर कई बार वहां पर आता है और स्पिलमैन को खाना देता है, और जब वो आखिरी बार स्पिलमैन को खाना देने आता है तो उसे बताता है कि रशिया की फौज नदी के दूसरी तरफ पहुंच चुकी है और जल्दी यहां पहुंच जाएगी और हम सब यहां से वापिस जा रहे हैं। और वो उसे खाने के साथ साथ अपना जैकेट भी देता है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है, और उसे उसका नाम पूछता है। वो कहता है कि मेरा नाम स्पिलमैन है। और इसके बाद जर्मन ऑफिसर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन जब गोलाबारी की आवाज बंद हो जाती है तो स्पिलमैन बाहर आता है, पर उसने उस वक्त जर्मन आर्मी का कोट पहना हुआ होता है जो उसे जर्मन ऑफिसर ने दिया था, इसीलिए वहां के लोग उस पर गोली चलाना शुरू करते हैं। स्पिलमैन बोलता है कि मैं जर्मन नहीं, पॉलिश हूं। वो बोलते हैं फिर तुमने बेहुदा कोट क्यों पहना हुआ है। वो कहता है ठंड से बचने के लिए, और वो समझ जाते हैं कि ये ज्यूस है, पॉलिश है, यही पोलैंड का है, और वो उसे छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस जर्मन ऑफिसर ने स्पिलमैन को खाना दिया था उसकी जान बचाई थी, उसे कई जर्मन सिपाहियों के साथ पकड़ लिया जाता है। तभी वहां पर एक पॉलिश यानी कि पोलैंड का आदमी आता है और वो उन्हें बोलता है कि तुम खूनी हो, तुमने मेरा म्यूजिक मुझसे छीन लिया, मैं एक म्यूजिशियन था। यह सुनकर जर्मन ऑफिसर बोलता है क्या तुम स्पिलमैन को जानते हो।
वो कहता है हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता। जर्मन ऑफिसर बोलता है कि मैंने उनकी जान बचाई थी, उनकी छुपने में मदद की थी, उन्हें बताना कि मैं यहां पर हूं। वही स्पिलमैन रेडियो में दोबारा पियानो बजाना शुरू कर देता है। वो आदमी जिसे जर्मन ऑफिसर ने अपने बारे में बताया होता है, वो स्पिलमैन को जर्मन ऑफिसर के बारे में बताता है जिसने उसकी जान बचाई थी। स्पिलमैन उस जगह जाता है पर वहां पर कोई भी नहीं होता, और अब पोलैंड आजाद हो चुका है। और बाद में पता चलता है कि जिस जर्मन ऑफिसर ने स्पिलमैन की जान बचाई थी उसे जर्मन कैदियों के साथ मार दिया गया था। स्पिलमैन चाहकर भी उसकी जान नहीं बचा पाया। स्पिलमैन 88 साल की उम्र तक जिंदा रहा और 6 जुलाई सन 2000 को उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थी एक वॉर बायोग्राफिकल मूवी जो एक सच्ची घटना पर आधारित थी और ये सन 2002 में रिलीज हुई थी। इस मूवी ने ऑस्कर के साथ साथ कई और भी अवार्ड जीते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई।